नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस नई वीडियो में। सो सितंबर का फर्स्ट हाफ निकल चुका है, सितंबर का सेकंड जो है स्टार्ट हो चुका है। ऑलमोस्ट अब सितंबर में 15-20 दिन के आसपास का टाइम बचा है। तो प्रेजेंट सिचुएशन में मैं बात करूंगा यूके की एडमिशन की रिक्वायरमेंट की। अभी किस रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आपको एडमिशन मिल रही है, जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। एंड स्टूडेंट वीजा की एप्लीकेशन के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 9041090410। सो यूके स्टूडेंट वीजा, थोड़ा सा मैं बेसिक आपको दोबारा से बता देता हूँ, जो नए दोस्त जुड़े हैं आप सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना चैनल को। यूके स्टूडेंट वीजा की रिक्वायरमेंट जो है बेसिक रिक्वायरमेंट ही रहती है, बिना आईएलटीएस के भी आपको एडमिशन मिलती है। लेकिन प्रेजेंट सिचुएशन में बात करें, अब जनरली टेक एडमिशन स्टार्ट हो चुका है, मतलब नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आ चुकी है। जी हाँ, नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज आ चुकी है। और अगर न्यू रिक्वायरमेंट की बात करें, अब आपके पास विदाउट आईएलटीएस, स्पेशली विदाउट आईएलटीएस वाले स्टूडेंट ध्यान दें, विदाउट आईएलटीएस अच्छे खासे ऑप्शन आ चुके हैं। इवन पंजाब एंड हरियाणा के बच्चे, उनके लिए भी ऑप्शन आ चुके हैं। जी हाँ, विदाउट यूनिवर्सिटी इंटरव्यू भी आपको ऑप्शन मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। तो करंट अपडेट में विदाउट यूनिवर्सिटी इंटरव्यू अच्छे खासे ऑप्शन आ चुके हैं। अगर आपने प्लस टू की है, आपके 60% से ऊपर नंबर है, इंग्लिश में 60-70% के आसपास है, विदाउट आईएलटीएस कैटेगरी के लिए आप एलिजिबल हैं। प्लस टू आपकी 17 ऑनवर्ड होनी चाहिए, उससे पहले भी थोड़ी दिक्कत आती है, लेकिन आप फिर भी कॉल करके चेक कर सकते हैं। तो प्लस टू बेस पे ऐसे, अगर ग्रेजुएशन की है तो हमारे पास एग्जाम्पल है, 15-20 साल गैप के बाद भी वीज़ा लगा है, लेकिन जस्टिफिकेशन चाहिए, कुछ जॉब वगैरह आप करते थे उसको प्रेजेंट करो तो वीज़ा यूके दे देता, क्योंकि यूके एडमिशन में चैलेंज आने, एडमिशन हो गया तो यूनिवर्सिटी के बाद एम्बेसी को ज़्यादा ऑब्जेक्शन नहीं होता। एम्बेसी ने सिर्फ अगर ज़रूरत पड़ी तो इंटरव्यू कंडक्ट कर सकते हैं, लेकिन हमारे काफ़ी केसेज है जहाँ 10-20 साल का गैप था, आईएलटीएस किया था, इंटरव्यू कोई नहीं है, लेकिन इंटरव्यू आ सकता है। तैयारी हम पूरी करवाते हैं, स्टार्टिंग से एंड तक तैयारी करवाते हैं, फाइल लगते ही आपकी तैयारी जो है फुल फ्लेज स्पीड से स्टार्ट हो जाती है। अगर इंटरव्यू नहीं भी आता तो भी हम तैयारी को कंटिन्यू रखते हैं, ताकि इनकेस आ जाए तो वहाँ टाइम नहीं मिलता आपको। यूके में ये भी प्रॉब्लम है, इंटरव्यू के लिए टाइम नहीं देंगे, 1-2 दिन आपके पास मिलेगा, तो कोई कंसल्टेंट 1-2 दिन में तैयारी कैसे करवा देगा। तो हम थोड़ा सिस्टमेटिकली चलते हैं, प्रॉपर वे में आपकी प्रेपरेशन करवाते हैं, सेम यूएस के केस में भी होता है। तो राइट नाउ यूके एडमिशन के लिए जनरली इनटेक फुल फ्लेज ओपन हो चुका है, विदाउट आईएलटीएस अच्छे खासे ऑप्शन, विदाउट यूनिवर्सिटी इंटरव्यू अच्छे खासे ऑप्शन मिलने स्टार्ट हो चुके हैं। एंड प्रैक्टिकली अगर बात करें तो जो सक्सेस रेट भी चल रहा है यूके का राइट नाउ, बिना इंटरव्यू के अच्छा खासा चल रहा है। जी हाँ, बिना इंटरव्यू के सक्सेस रेट बहुत अच्छा चल रहा है, इंटरव्यू रेशो काफ़ी कम चल रही है। तो ये ट्रेंड, आई होप, मुझे लगता है कि ये ट्रेंड जितना मेरा एक्सपीरियंस कहता है, फुल थ्रू आउट दिस ईयर वैलिड रहेगा, मतलब जनरली टेक के लिए भी ये ट्रेंड जो है ये वैलिड रहने वाला। तो अगर आपने अप्लाई करना है, अभी कॉल कर लें हमारी वीज़ा ऑफिस की टीम को, हम 10 साल से स्टूडेंट वीज़ा की सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं। आप यूके के साथ साथ किसी भी कंट्री का अगर स्टूडेंट वीज़ा की एप्लीकेशन लगाना चाहते हैं तो आप हमें कॉल कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर 9041090410। सो ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नई वीडियो लेकर हाजिर होंगे, यूके को लेकर नई अपडेट इसी चैनल पर आपको रेगुलर बेस पर मिलती रहेगी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।